तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये एलसीडी कार्गो है जी, ये कर्व है भाई। कितने इंच का है? कितने इंच का है? पैंसठ इंच का एलसीडी है, कर्व है जी, देख लें आप। ठीक है, अच्छा हम पूछने आए थे कि एलसीडी कार्गो करने का तरीका। तो ये कर्व एलसीडी इन लोगों ने पैक किया है, पैकिंग इसकी देख लें। फोम रखा है साइडों पर, ठीक है, उसके बाद साइडों पर फोम लगाया, ऊपर फोम लगा रहे हैं कि ये हिले ना इसके अंदर। बस तो लकड़ी का बॉक्स लगा दिया। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ इसके प्राइस क्या हैं, यानी कि यहाँ पर देख लें, ये कंप्यूटर भी कार्गो किए जा रहे हैं। तो बाकी मैं आपको इसके एलसीडी के मतलब बताता हूँ कि इसके लेते क्या हैं, प्राइस क्या हैं। ये शीट इसके ऊपर लगाएंगे अभी जी। तो आप भाइयों ने ये वीडियो देख लिया जी, मैंने आपको दिखा दी है एलसीडी की पैकिंग के मतलब। अभी मैं आपको थोड़ी डिटेल बताता हूँ। अगर आप भाई यहाँ से एलसीडी भेजना चाहते हैं या यार अपना कोई भी कार्गो का सामान भेजना चाहते हैं, तो आपको एक दो चीज़ों के ऊपर भाई एहतियात करनी चाहिए, आप किसी भी नुकसान से बच सकते हैं। अच्छा, ये कार्गो वाली जो पर्ची देते हैं ना हमें, इसके पीछे जो शराइत वगैरह लिखी होती है वो गौर से पढ़ें। वहाँ पर लिखा होता है कोई भी किसी किस्म का कांच का सामान या शीशे का सामान टूटने के हम जिम्मेदार नहीं होंगे, वो शराइत के ऊपर बाकायदा पीछे लिखा होता है। लेकिन फिर भी आप उससे पूछ लें, वो आपको गारंटी वगैरह तो देते हैं, हम महफूज पहुँचाएंगे, ऐसे है वैसे है, और भाई पहुँच भी जाती हैं, लेकिन बहुत सी टूट भी जाती हैं, ये भी मैंने देखा। और मेरी खुद की एक टूटी हुई है, मैंने टूटी हुई पहुंची थी, मैंने आपके साथ उसके साथ तफसील से वीडियो शेयर की थी काफ़ी देर पहले। अच्छा, ये पैकिंग करते हैं, ये आप एलसीडी लेकर जाएंगे पास, आपकी एलसीडी 30 इंच की है, 50 इंच की है, 60 इंच की है, इस चीज़ से इन्हें कोई मतलब नहीं है। इस चीज़ से इन्हें ये मतलब है कि एलसीडी का वजन कितना है, ठीक है। और उसके अलावा ये पैकिंग का लेते हैं, उसकी जो कस्टम है वो लेते हैं, और जो वजन है वो हिसाब करते हैं। यानी कि पैकिंग का उसका लेते हैं जी ये 250 रियाल, यानी कि 250 रियाल में ये बोलते हैं हम बॉक्स बनाते हैं। ये बॉक्स मैंने आपको दिखा दिया है अभी, ये बॉक्स ऐसा होता है, एलसीडी को ये पैक करते हैं। अगर आप एलसीडी न्यू लेते हैं या किसी गत्ते के अंदर रखते हैं एलसीडी, जो गत्ते के अंदर पैक होती है कंपनी की तरफ से, वो बेस्ट है। अगर आपको यूजेबल भेज रहे हैं तो उस टाइप का गत्ता देख लें और उस साइडों पर फोम वगैरह वैसा लगा दें, उसके अंदर एलसीडी मजीद सेफ हो जाती है, और उसके ऊपर ही ये फिर लकड़ी का बॉक्स लगा देते हैं। अगर नहीं तो ये लकड़ी का बॉक्स बनाते हैं, एलसीडी रखते हैं, साइडों पर फोम वगैरह अच्छे से भर देते हैं, ताकि एलसीडी ना तो हिले और ना ही उसको कोई किसी किस्म की अगर ठोकर लगे तो कोई नुकसान पहुंचे। तो लकड़ी का बॉक्स होता है, मजबूत किस्म का बनाते हैं, 250 रियाल लेते हैं, और इसके अलावा 150 रियाल इसका कस्टम का फीस लेते हैं, और उसके अलावा जो इसका वजन का हिसाब होता है, यानी कि 3 रियाल किलो इसको लेते हैं, यानी कि अगर आपकी 10 किलो की 20 किलो की जितने की भी है वो वजन के हिसाब से, यानी कि 450 के अराउंड में आपकी एलसीडी भाई पाकिस्तान में चली जाती है। बस करना आपने ये है कि उन्हीं से पैकिंग करवानी है, आप उनको बोलेंगे कि भाई आप खुद से इसका बॉक्स बनाओ, हम बॉक्स नहीं बना सकते, ठीक है। वो खुद से बॉक्स बनाएंगे, उस हिसाब से बनाएंगे, उस हिसाब से पैकिंग करेंगे, वो खुद मसूल होंगे उस चीज़ के। और पाकिस्तान में जब आप रिसीव करें तो भाई उस टाइम वहाँ पर इसे चलाकर ज़रूर चेक कीजिएगा, उसके बाद उनको पैसे दीजिएगा या उनको उस टाइम जाने दीजिएगा। हम आम सामान जो कार्गो करते हैं उसके मतलब आपको बता दूंगा। कुछ भाई बहुत अच्छी पैकिंग करते हैं, इनके बैग के अंदर सामान है और उसको भाई उसके ऊपर वो गत्ता लगाते हैं, गत्ता बिल्कुल फोल्ड करके ऊपर टेप लगाते हैं, फिर ऊपर कोई तोड़ा वगैरह या बोरी वगैरह लगाते हैं, फिर उसके ऊपर वो लोहे की जो पट्टी होती है वो लगाते हैं अच्छे से, वो सामान तो चला जाता है जी, ठीक। मैंने एक दफा तबूक से सामान कार्गो किया था, जितनी भी लिक्विड चीज़ें थी, मैंने एक बाल्टी ली हुई थी दहनात, यानी कि रंग की बाल्टी यहाँ से मिल जाती है, उसके अंदर भरी हुई थी, उसके ऊपर ढक्कन लगाकर अच्छे से उसको बंद किया हुआ था, तो उसके ऊपर भी बकायदा मैंने फोम लपेटा हुआ था। एक बैग था, बैग के ऊपर भी अच्छे से फोम लपेटा हुआ था, वो मेरा सामान बिल्कुल सही पहुँचा था। क्यों भाई? पैकिंग बहुत अच्छी की थी। यहाँ पर मैं कुछ पिक्चर भी शायद आपको साथ में दिखाता जाऊँगा। अभी मैंने सामान भेजा है जद्दा से ही, तो वहाँ से भाई ये हुआ है कि सामान मैंने बैग के अंदर डाला हुआ था बस, और ऐसे बैग उनको दे दिया, उन लोगों ने दो बैग थे, हालांकि दो कंबल थे, उन लोगों ने बैग रखे हैं, कंबल वगैरह रखे हैं, तो उसको ना अच्छे से ऊपर, यानी कि तोड़ा लगाया ऊपर, वो पट्टी जो लोहे की होती है वो पट्टी लगा दी इधर से बस सामान पहुँच गया जी, एक माह में या एक माह दो पाँच सात दिन में पहुँच गया, टाइम से पहुँच गया। लेकिन जब सामान ओपन किया है उस टाइम सामान के अंदर से भाई एक जैतून की बोतल टूटी हुई थी, शैम्पू थे कुछ वो लीक थे, जो लोशन थे वो लीक थे, फैरी थी वो लीक हो गई थी, तो सामान दूसरा भी खराब किया इसी चीज़ों ने। तो भाई इस चीज़ के ऊपर नज़र रखें, कार्गो वालों से पैकिंग करवाएं, लेकिन इन चीज़ लिक्विड चीज़ों की खुद से पैकिंग करें। और मेरे हिसाब से खुद से बेस्ट भाई तरीका ये है कि आप खुद से घर से अच्छे से पैकिंग कर लेकर जाएं, उस सफेद रंग की जो बोरी होती है वो लगाएं, उसके ऊपर रस्सी लपेटे अच्छे से। और इसके मतलब प्राइस के मतलब आपको बता दूंगा, मैं मुकम्मल तफसील के साथ वीडियो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। दीप कार्गो से ही इनकी मैंने लाइव बनाई हुई है,
लेकिन इस टाइम मैं आपको प्राइस से थोड़ा अपडेट कर देता हूँ भाई। मैं 2.75 रियाल हलाले, 2.75 रियाल हलाले उस टाइम हमसे लिए इन लोगों ने, तो आम 3 रियाल भी बोलते हैं, लेकिन 2.75 रियाल हलाले पर केजी के हिसाब से रेट चलता है और 50 रियाल बिल्टी के होते हैं। बिल्टी के में वो तो आपका सामान है, आप चाहे 100 किलो चाहे 200 किलो, लेकिन 50 ही लगेंगे। रेट के हिसाब से 2.75 रियाल हलाले है और पैकिंग के जो पैसे हैं जी, ऐसा सिंपल सा तोड़ा लगाकर ये लोग 25 रियाल ले रहे हैं। अगर गत्ता लगा रहे हैं तो 50 बोल रहे हैं, हालांकि 30 रियाल लेते हैं जी गत्ता लगाकर, ऊपर तोड़ा लगाकर उसको अच्छे से बांधने के तकरीबन सभी 30 रियाल, तो ये थोड़े ज्यादा ले रखे थे। बहरहाल कार्गो आपने सामान करना हो तो मैंने आपको कुछ 22-23 जो भी आपको यार इंफॉर्मेशन थी मेरे पास मैंने दी है, यानी कि आप अपने किसी नुकसान से बच सकें।